असलम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरो, आप देखें जिम लाइफ विद जीरो। कैसे मेरे दोस्त जिम बॉडी ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोस्तों आज आप लोग एक्सरसाइज लेके हूँ बड़ी बेहतरीन किस्म की। दोस्तों एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे कीगल के बारे में। कीगल शायद आपने ना सुनी हो, ये कॉमन एक्सरसाइज नहीं है। कीगल जो एक्सरसाइज है ना, इसको बेसिकली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी बोला जाता है, और ये होती है आपके पेल्विक पोर्शन के लिए। पेल्विक पोर्शन से मुराद आपकी ये जो आपकी नाफ के नीचे, यानी कि आपके जो जितने एरिया में आपकी शर्मगाह वगैरह होती है वगैरह वगैरह, आपकी हिप होती है, ये सारी बोन को पेल्विक बोन बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कीगल एक्सरसाइज के बेसिकली बेनिफिट्स, फायदे क्या होते हैं। सबसे पहला जो सब बेनिफिट होता है ना, वो होता है कि मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ये इलाज करता है। अब ये ईडी वो बीमारी होती है जिसमें एक मर्द होता है, एक किस्म का नामर्द हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो नीचे पहुंच ही नहीं पाती ठीक से। तो ये जो एक्सरसाइज होती है, ये आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है आपके पेल्विक पोर्शन के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो है जो पेनिस है वो इनफ किस्म का जो है ब्लड को सर्कुलेट कर पाता है, जिसकी वजह से ईडी का इलाज हो जाता है। इसके अलावा बाज लोग होते हैं, उनका मसाना बहुत ज्यादा कमजोर होता है। सारी बात है, जो आपका मसाना होता है वो इंटरकनेक्टेड है पेल्विक पोर्शन के साथ, ठीक हो गया। तो उनको पेशाब को लेके और जो है पहाने को लेके, यानी कि यूरिन को लेके और स्टूलिंग को लेके काफी ज्यादा इशू फेस करने पड़ते हैं। पेल्विक पोर्शन, ये सारे जो पेल्विक की एक्सरसाइज है, ये पेल्विक पोर्शन के सारे तमाम इश्यूज को रिजॉल्व कर देती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीगल एक्सरसाइज के 3 से 4, लेकिन प्रायोरिटी वाइज करेंगे। सबसे पहले मैं करूंगा सबसे जो हाई प्रायोरिटी ट्रेनिंग वो करूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और एक और बात रिपीट कर दूं, ये एक्सरसाइजेस विद इन डेज आपको फर्क नहीं नजर आएगा इतनी करने से। ये आपको कम से कम 1 से 2 वीक और शायद 1 मंथ भी ले लें। मेरे वो दोस्त जिनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरल बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत कारगर है, ठीक हो गया। ये एक्सरसाइज आपने 1 से 2 टाइम रिपीट करें डेली, 1 से 2 बार करने से कुछ नहीं होगा। यानी कि आप कर लें कभी हफ्ते में एक आधा दफा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। इसको आपने डेली रूटीन में ट्रेन करना है, सुबह शाम ट्रेन करना है। मैट मैंने ऐसे ही बिछाया है, लेकिन आपने इसको बैठ के भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अभी एक्सरसाइज मैं आपको सारी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक हो गया। सबसे पहली बात कि आपने मसल माइंड कनेक्शन रखना है, आपने अपने जोर डालना है हिप्स पे, ग्लूट्स पे डालना है, अपने पेल्विक एरिया पे। या आपने जेन बना लेना कि आपका जोर इस साइड पे आ रहा है, ठीक हो गया। कोई उस्ताद कोई कोच आपको एंगल्स नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद ना सीखना चाहें। तो आपने सबसे जोर डालना है अपने पेल्विक पोर्शन पे, इसको स्क्वीज करना है। बाकी मैं बताता हूँ आपने कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों सीधे लेट जाना है, अपनी टांगों को अपने सिर में कर लेना है और अपने हाथों को अपनी एड़ियों के पास ले आना है और अपने स्क्वीज करना ऊपर, ऐसे ऊपर को स्क्वीज कर लेना है, ठीक हो गया। आपने इतना होल्ड करके रखना अपने आप को मैक्सिमम। इस ट्रेनिंग के दौरान आप अपनी टांगों को इस तरह इन और भी स्क्वीज कर सकते हैं, होल्ड करके रहना एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मैं इसको ज्यादा होल्ड कर सकता था, लेकिन मैं ज्यादा होल्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खैर, आप इसको एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी कि मैक्सिमम आपने इसको स्क्वीज करके रखना जितनी देर आप रह सकते हैं इस तरह। कीगल की जो एक्सरसाइज है ये हाई प्रायोरिटी, यानी कि नंबर 1 एक्सरसाइज है आपके पेल्विक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक हो गया। तो आपने इस मूवमेंट को रिपीट करना कम से कम 8 से 10 दफा, और स्क्वीज कितनी देर करना है आपने, कितनी देर होल्ड करके रखना ऊपर, ये डिपेंड करता है आप पे। मैक्सिमम होल्ड करना है, इसमें कोई सेकंड्स नहीं, कोई टाइम नहीं रखना आपने। मैक्सिमम जितना होल्ड कर सकते हैं वो उतना आपके लिए अच्छा है। एक दफा सुबह उठते साथ ही बेशक बेड पर लग जाएं, और सोने से पहले बेशक एक्सरसाइज करके सो जाएं। या आप जिम में जा सकते हो तो जिम में भी बेहतर है। इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैट भी बस मैंने इसको लोकेट करने के लिए रखा है, आपको मैट की भी जरूरत नहीं, बेड पे भी कर सकते हैं आप। अगली एक्सरसाइज जो है वो बटरफ्लाई फ्लैप्स है, ठीक हो गया। अब वो कैसे परफॉर्म करनी हो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने अपनी टांगों को इससे जोड़ लेना, पैरों को बराबर करके मैक्सिमम आपने अपने पैरों का, ठीक हो गया, और यहाँ से अपने मसाने का, यानी कि पेल्विक का जो है ना, कम से कम जितना आप स्क्वीज कर सकते हैं इसको बराबर कर लेना है, उसका फासला कम कर लेना है। इसको आपने जोड़ लेना है दोनों को, जोड़ने के बाद आपने करना है इसको हाथों से पकड़ लेना है और फिर इसको आपने फ्लैप करना है। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. इस ट्रेनिंग के आपने करने कोई 3 से 4 सेट करने हैं, और कोशिश करना 30 से 40 दफा फ्लैप करना है आपने एक सेट में, और दिन में 2 दफा रिपीट करनी है। ये है सेकंड हाई प्रायोरिटी ट्रेनिंग,
यानी कि उसके बाद ये ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद दोस्तों ये एडक्शन मशीन है, ये ऑप्शनल है, ये हर किसी पास अवेलेबल नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शनल है। आपने इसको मैक्सिमम स्क्वीज करना है, मैक्सिमम आपने इसकी जो टांगें खोल देनी है, टांगें आप अपनी खोलेंगे, लेकिन इसे जो पॉइंट है आपकी टांगें जितनी खुल सकती हैं आपने इसको पॉइंट को उतना मैक्सिमाइज कर देना है, ठीक हो गया। बाकी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये अब जो लास्ट ट्रेनिंग है ये भी ऑलमोस्ट ऑप्शनल है, लेकिन ये बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। ये आपके हिप्स पे बहुत अच्छा जोर डालेगी, जहरी बात है हिप्स पे अगर डालेगी तो बॉल मूवमेंट यानी कि आपके पखाने की जो मूवमेंट है वो भी बेहतर हो जाएगी। जिन लोगों को बवासीर वगैरह ऐसी चीज़ों का इशू फेस करना पड़ता है, जहरी बात है बवासीर भी तब होती है जब आपके बड़ी आंत में जो है खून का फ्लो कम हो जाता है, तो इसके वजह से खून का फ्लो बढ़ता है, ठीक हो गया। तो अब करेंगे ग्लूट थ्रस्ट करेंगे हम लास्ट एक्सरसाइज, और इन तमाम एक्सरसाइज में आपने गौर करना है और ध्यान रखना है कि आपका जो जोर है वो आपके पेल्विक पोर्शन पे, पेल्विक फ्लोर पोर्शन पे आए। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मुझे बताएं टॉपिक्स के बारे में जिस पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।